गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं दीप्ति आज आपके सामने एक नया चैप्टर लाने जा रही हूँ, फ्रैक्शन, जिसे हिंदी में भिन्न कहते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग जानेंगे भिन्न होता क्या है। हम लोगों ने देखा होगा कि ऐसा लिखा होता है बुक में 1/2, 3/4, 7/5, तो इसे ही भिन्न कहते हैं। बेसिकली भिन्न की परिभाषा क्या होती है, किसी भी एक पूरी चीज को जितने टुकड़ों में डिवाइड किया जाता है उसे भिन्न कहते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारा ये पार्ट है, इसे हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, तो ये हमारा 1/2 भिन्न हो गया। या फिर एक ये पार्ट है, इसे हमने चार पीस में डिवाइड किया, तो ये हमारा जो है ये हो गया 1/4। मतलब किसी भी पूरी चीज को जितने पीसेस में डिवाइड किया जाता है उसे भिन्न कहते हैं, और इंग्लिश में इसे फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग जानेंगे फ्रैक्शन के प्रकार कितने होते हैं, भिन्न के प्रकार। इसके तीन प्रकार होते हैं। पहला, उचित भिन्न, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, भिन्न में जैसे ये है 1/4, तो इसे कहते हैं अंश और इसे कहते हैं हर। अंश मीन्स न्यूमरेटर एंड हर को डिनोट करते हैं डेनोमिनेटर। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, अंश जो है वो हर से छोटा रहता है, इस तरह से, जैसे 2/4 या फिर 3/5। इसमें हम क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स, अंश हमारा छोटा है, हर बड़ा है, ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा होता है विषम भिन्न, इसे कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है, अंश जो है वो हर से बड़ा होता है। ठीक है, जैसे 5/2 या फिर 7/3। इसमें हम क्या देख रहे हैं, हमारा अंश जो है वो हर से बड़ा है। तीसरा होता है मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न मीन्स हो गया मिक्स फ्रैक्शन। ये कैसे लिखा होता है, मतलब इसमें भिन्न तो रहेगा ही और इसके साथ एक पूरी चीज रहेगी, जैसे 3/1/2, ये हमारा जो 3 है ये पूरा है और 1/2 जो है वो हमारा भिन्न है। इसी प्रकार से देखते हैं 5/3/6, ये देखिए ये हमारा पूरा है और ये हमारा अंश और हर है, ये मिलके बनाता है मिक्स फ्रैक्शन। इसके बाद फ्रेंड्स, हम लोगों ने ये तो समझ लिया कि भिन्न के प्रकार क्या होते हैं, अब हम लोग देखेंगे भिन्न का न्यूनतम रूप कैसे करते हैं। भिन्न का न्यूनतम रूप, इसे इंग्लिश में कहते हैं लोवेस्ट फॉर्म, लोवेस्ट फॉर्म। ये कैसे करेंगे फ्रेंड्स, जैसे ये हमारा हो गया 6/4। ठीक है, इसे लोवेस्ट फॉर्म में करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि अंश और हर दोनों किसके टेबल में आता है। जैसे अगर 6 है और ये 4 है, तो हम लोग देखते हैं 6 हमारे 2 के टेबल में भी आता है,
और फोर भी हमारे टू के टेबल में आता है, तो हम लोग इसे टू से डिवाइड करेंगे। टू से सिक्स थ्री बार में और फोर टू बार में। देखिए टू थ्री जा सिक्स, टू टू जा फोर, ये हमारा टू के टेबल में आया। तो ये हमारा हो गया लोवेस्ट फॉर्म भिंग का। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पे है 18/12। ठीक है, इसे भी हम लोग यही देखेंगे कि किसके टेबल में आता है। जैसे देखते हैं टू के टेबल में 18 आता है, 12 भी आता है। टू के टेबल से किए तो 9 आया, 12 पे किए तो 6 आया। तो फ्रेंड्स यहाँ सोचने वाली बात ये है कि क्या 9/6 18/12 का लॉवेस्ट फॉर्म है? नहीं, ये इसका लॉवेस्ट फॉर्म नहीं है, क्योंकि ये आगे भी डिवाइड किया जा सकता है। जैसे 9/6 है तो 9 3 के टेबल में भी आता है और 6 भी 3 के टेबल में आता है। तो हम लोग इसे अब 3 से डिवाइड करेंगे। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ये हमारा आ गया 3/2। ये हमारा इसका लॉवेस्ट फॉर्म हुआ। 18/12 का लॉवेस्ट फॉर्म क्या हुआ? 3/2। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारे पास है 100/25। चाहे तो फ्रेंड्स हम इसे डायरेक्ट भी काट सकते हैं, 25 के टेबल में 100 आता है, और नहीं तो फिर हम लोग क्या करते हैं, वैसे ही देखते हैं 5 के टेबल में 100 आएगा, 5 के टेबल में 25 आएगा। अब आप बोलेंगे 5 के टेबल में 100 तो आता नहीं है, तो हम लोग इसे ऐसे देखते हैं, 5 के टेबल में 10 आता है ना टू बार में, और ये जीरो का हमने जीरो उतार लिया, मतलब 5 के टेबल में 20 बार में 100 आया। 5 के टेबल में 5 बार में 25। ठीक है, अब क्या ये 100/25 का लॉवेस्ट फॉर्म है? नहीं, इसे हम लोग आगे और डिवाइड करेंगे। 5 के टेबल में 20 आता है 4 बार में, 5 के टेबल में 5 आता है 1 बार में, मतलब क्या हुआ 4/1। जी हाँ, 100/25 का 4/1 क्या है? लॉवेस्ट फॉर्म है। हम लोग इसे सिर्फ 4 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर में 1 है जो कि साइलेंट भी होता है। तो ये हमारा लॉवेस्ट फॉर्म हो गया 4। थैंक यू फ्रेंड्स हमारे इस वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से समझने के लिए और देखने के लिए। इसका पार्ट 2 हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे कि भिन्न का जोड़ कैसे होता है, भिन्न का घटाव कैसे होता है, मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में कैसे बदले और विषम भिन्न को हम मिश्रित भिन्न में कैसे बदले। तो इसलिए आप हमारे इस वीडियो को नेक्स्ट पार्ट में देख सकते हैं, उससे आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से भिन्न की जानकारी होगी। और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।